first business. Mm-hmm. 209, termination of surveillance authority. 208, duty of agent in case of termination of agency by a principal's death or insanity. Mm-hmm. 207, effect of termination of agency as against agent and third party. Mm-hmm. 206, termination and renunciation can be expressed or implied. Mm. 205, notice of revocation, renunciation. 204, compensation in case of renunciation by principal, in case of termination by principal or renunciation by agent. 200, ये जैसे आज इनके दोनों के लॉक जैसे लॉक लगवा दिया करो और ये नहीं लेके जाने जो जो सिस्टम जो लग रहा है दोनों क्लासेस में बेसिक बेसिक क्लास खत्म हो जाए उसके बाद लॉक लगवा दो बस भाई ऐसा है इसलिए मैंने तुम्हें पूछा कि यदि कल आपने कोई टाइम दिया है ना 2-2.5 घंटे दिए और वो 2-2.5 घंटे आपके कोई काम के नहीं है आप भूल गए उसको तो आज रिवाइज थोड़ी किया आपने नहीं रिवाइज किया ना देखो बैठ जाओ जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो जो भी पढ़ रहे हो उसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात आपको एक समझनी होगी वो है मुश्किल से 3-4 चीजें सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है पहली बात कि आपको अच्छा याद होना चाहिए दूसरी बात आपको जो याद है उसे अच्छा लिख के आना है तीसरी बात कि हमारी एक बेस्ट पर्सनैलिटी हो बेस्ट पर्सनैलिटी का मतलब कैसे है कि आप प्रतिदिन अवेयर रहें अवेयर कैसे आप बोल के आ रहे हैं आप पहन के आ रहे हैं आप चल के आ रहे हैं ये सब चीजों पे खुद का ध्यान ये ऐसे पर्सनालिटी डेवलप होती है अभी इंटरव्यू की क्लासेस चल रही हैं क्लासेस नहीं चल रही मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं रोज होते हैं एक दिन में किसी का जो पर्सनालिटी चेंज नहीं होती धीमे 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 निखार आता है तो वो प्रोसेस आपको कंटिन्यू करनी है वो कहां से सीखनी है अपने शिक्षकों से सीखनी है आपके शिक्षक कैसे बात करते हैं कैसे बोलते हैं कैसे पहनने और सलीके का ध्यान रखते हैं ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें टीचर का कोई बहुत योगदान नहीं होता और लास्ट में कोई मॉक इंटरव्यू से एक कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाता सिर्फ चेंज आता है तो आपके डर में क्योंकि आप 1-2-3-4 मॉक इंटरव्यू दे लेते हो तो फिर आपके डर बह कम हो जाता है फिर आपको तो इन सब चीजों में चेंज आता है अब रही बात याद की जैसे कल मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास ली तो 196 से 212 तक का मैंने पढ़ाया था शाम को तो जब वो पढ़ाया तो इन लोगों ने सुना दिया यहां सब ने सुना के यही क्लास में पढ़ाया क्लास में ही सुना दिया इन्होंने लेकिन वो कब तक उपयोगी है मान लो आज भूल गए देखो मस्तिष्क की एक क्रिया के ऊपर वैज्ञानिकों ने शोध किया शोध ये था कि जिन चीजों को हम याद करना चाहते हैं मस्तिष्क भूल क्यों जाता है क्या वाकई में भूल जाता है क्या इसका मेमोरी कार्ड छोटा है मेमोरी कार्ड छोटा नहीं है इसमें इतना बड़ा मेमोरी कार्ड लगा हुआ है कि इसके अंदर प्रवेश किया जाए तो अनंत अनंत जन्मों तक की कहानियां इसमें समाहित है अभी तक कोई ये पता नहीं कर पाया कि मेमोरी कार्ड का साइज कितने टीबी का है ठीक है ना तो फिर अपने को लगता है यार हम तो जो याद करते हैं भूल जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है तो
तो इस क्रिया को बहुत सारे लोगों के ऊपर अपनाया गया और ये बताया गया कि यदि हमें लंबे समय तक किन चीजों को याद रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक सिंपल सी व्यवस्था बताई कि इतने समय बाद मस्तिष्क इतनी चीजों को छोड़ देता है तो उसका टिक टाइम पीरियड है। जैसे जो कुछ भी कल आपने पढ़ा, कल आप शाम 100% बता के गए थे, आपने बताया था 100%, और मैंने उल्टा सुना, आपने सुनाया था, लेकिन आज उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। पता है क्या है, 24 घंटे जितना भी आप पढ़ते हैं 24 घंटे के भीतर उसका 60% कितने परसेंट 60% भूल जाएंगे आप। अब ये तो बहुत बड़ा फिगर हो गया, मतलब ही खत्म हो गया, 60% भूल जाएंगे। यही नहीं, यदि आप करीब करीब 15 दिन आर्ट्स में लगाएंगे तो वो करीब करीब 15 दिन में जो कुछ भी आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हें आपने रिवाइज नहीं किया तो उसमें कुछ कुछ रह जाएगा, करीब करीब आपको 10% ही याद रहेगा, 90% आप भूल चुकेंगे। कितने परसेंट 90%। इसी कारण से लंबे समय तक स्टूडेंट एग्जाम देते रहते हैं, पहले वो किसी से एक टीचर से पढ़ के आते हैं, अच्छा अपनी कमी के कारण, जो उनकी खुद की कमी है उसके कारण वो भूल गए, फिर सोचते हैं यार अब के बार इस टीचर से पढ़ेंगे, तो चूंकि 10% उनके पास था तो पहला बहुत शानदार टीचर जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाया जिसके जब कुछ नहीं था उसके बावजूद भी चूंकि 10% था तो उसे लगेगा अरे यार ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा लगता है क्योंकि कुछ मस्तिष्क में था। जब बिल्कुल ही नहीं होता तब की बात थोड़ी सी अलग होती है। तो जो सब्जेक्ट हमने परफेक्ट तरीके से पढ़ा दिए, याद करवा दिए, और आज वैसे ही वो ब्लैंक हैं, जैसे सीआरपीसी में मैंने ट्रायल्स पढ़ाई थी और नए एक्ट में ट्रायल तो वही है, ट्रायल्स में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मजिस्ट्रेट ट्रायल या सेशन ट्रायल उस रूप में याद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिवाइज नहीं किया। अब 24 घंटे में इतना भूला तो क्या है, इस जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा 24 घंटे के लिए इसमें करीब करीब 2 आवर्स दिए होंगे, हम ये मान लेते हैं जो मटेरियल आपने 2 आवर्स में तैयार किया, इसमें यदि ये व्यक्ति 5 मिनट्स कितने 5 मिनट्स और ऐड कर दे कितने, लेकिन वो करना within 24 hours करना पड़ेगा, within 24 hours नहीं किया है तो कुछ होगा नहीं, within 24 hours कर दोगे तो ये पुनः 100% हो जाएगा। कितने परसेंट हो गया 100% पूरा याद हो जाएगा। अब मस्तिष्क फिर भूलेगा उसको, ऐसा नहीं कि नहीं भूलेगा, लेकिन भूलने की प्रक्रिया रहेगी, लेकिन अब ये जो चेंज आएगा फिर 60% ही डिलीट होगा, फिर 40% पे आएगा, लेकिन आएगा कितने टाइम में अंतर आएगा, भूलने की साइज वही रहेगी, डिलीट का साइज वही रहता है, भूलने में अंतर आएगा 72 आवर्स। कितना, पहले 24 घंटे का गैप था, अब यहां 72 आवर्स का गैप है, 72 आवर्स बाद भी वही स्थिति बनेगी, लेकिन आपने फिर इसमें 5 मिनट ऐड कर दिया, 5 मिनट ऐड कर दिया तो ये पुनः 100% हो जाएगा। पुनः 100% हो जाएगा। फिर क्या फिर परमानेंट हो गया? नहीं हुआ, फिर परमानेंट नहीं हुआ, फिर क्या करना है? देखो
कई आप में से कई स्टूडेंट्स ने पूरे पूरे एक्ट को सुनाया, जैसे इस प्रकृति ने भी सुनाया, जैसे सोनू ने भी सुनाया, तृप्ति ने भी सुनाया, तो ये इन लोगों ने सुनाया ना, आपने भी सुनाया, तो ये कैसे सुनाया? क्या आज सुना सकते हैं? ये क्यों नहीं सुना पा रहे? माइंड तो माइंड है, माइंड एक टाइप ऑफ इक्विपमेंट है, मशीन है भाई। उस मशीन को चलाने की क्रिया समझ जाओ बस, कि उसकी क्रिया क्या है, फिर क्या होगा, फिर 5 मिनट और डाले, लेकिन कितने दिन बाद फिर डिलीट हो रहा है ये कंटिन्यू, लेकिन यहां 7 days, आफ्टर 7 days हो जाएगी स्थिति, लेकिन 5 मिनट प्लस कर दिया आपने 7 days पर, तो ये पुनः 100% हो जाएगा। तो फिर क्या परमानेंट हो गया? ये शोध है, ये रिसर्च है, ये वैज्ञानिक रिसर्च है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है कि मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से, मैं कुछ नहीं बता रहा, जो रिसर्च हुई है उसी रिसर्च के तथ्यों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, उसको थोड़ा सरल भाषा में करने की कोशिश कर रहा हूं। 7 days में फिर यही स्थिति है, फिर क्या परमानेंट हो गया? नहीं हुआ। फिर यहां पर सीधे फिर 5 मिनट डालिए, 15 दिन है यहाँ, 15 days, आफ्टर 15 days फिर 100% हो जाएगा 5 मिनट डालते ही। क्या फिर परमानेंट हो गया? नहीं हुआ, फिर डिलीट होगा, फिर भूलेंगे। क्या है फिर? फिर 5 मिनट डालिए 30 days पे, आफ्टर 30 days आप इसे रिवाइज कर लीजिए, 100% हो जाएगा। फिर क्या है? ये परमानेंट है। ये परमानेंट है। अब आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, आप चाहो भूलना, आपसे हम कहेंगे ABCD भूल जाओ, आप रोज प्रार्थना करो हे भगवान मैं ABCD भूल जाऊं, ABCD भूल जाऊं, भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे। सपने में भी कोई पूछे तो आप ABCD बता देंगे, आप अपनी वर्णमाला बता देंगे। भाई मन में तो आता होगा कि ये चीज हम क्यों नहीं भूलते, ये चीज भूल जाते। तो मैंने सिर्फ एक पार्ट को बताया, ठीक है। अब मेमोरी में सेट करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप लोगों को, कई लोगों को अच्छा लगता है कि लिख लिख के देखें, लिख के जल्दी याद होता है ऐसा उन्हें लगता है, तो वो लोग काइनेथेटिक नेचर के हैं। काइनेथेटिक का मतलब है जो करके सीखता है। आप देखो कई वकील एक कोई केस कर लेंगे, उसे सारे की ड्राफ्टिंग वगैरह सब कर लेंगे, फिर आप उनसे उस प्रोविजन के संबंध में कुछ भी पूछ लो, सब कुछ आता है उन्हें। वो काइनेथेटिक नेचर के लोग हैं। तो काइनेथेटिक लर्नर्स हैं वो। ऐसे ही किन्हीं लोगों को अच्छा लगता है हाईलाइट कर लें, रंग कलर्स में लिखा हो, वेरेक्ट भी डिग्लॉट फॉर्म में लिखा हो, उन्हें अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, अपनी कॉपी किताब को रंग बिरंगा कर लेंगे, तो वो कौन से हैं? फिल्म देखो तो फिल्म की स्टोरी तत्काल बता देंगे, हाँ उस फिल्म में ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, बल्कि कपड़े भी याद कर लेंगे कि उसके कपड़े ऐसे पहने हुए थे, वो विजुलाइज लर्नर्स हैं। वो बहुत तेजी से घटनाओं को पिक्चर में प्रूव लेंगे, विजुलाइज लर्नर्स हैं वो। आजकल तो इक्विपमेंट आ गए ऐसे कि आपके उंगलियों के इन निशानों के माध्यम से DMIT टेस्ट हो जाता है, और वो टेस्ट बता देगा कि आप किस टाइप के
लर्नर है, डीएमआईटी टेस्ट होता है, मैंने भी कराया हुआ है, मैंने अपना कराया, कपिल का कराया, कई लोगों मैंने अपने घर में कई लोगों का कराया। आज मेरे बारे में जो चीजें थी जिन्हें मैं जानता ही था, पर मैं उसे सिर्फ ये जानने के लिए कि ये क्या सही है, तो वो बिल्कुल सही थी, परफेक्ट थी, कराया मैंने अपना डीएमआईटी टेस्ट कराया हुआ है। आप लोग भी करा सकते हैं, कराना चाहो तो, जयपुर में होता है। हाँ थोड़ा बहुत, अब पता नहीं कितने का हो रहा है, पहले तो थोड़ा महंगा हो रहा था। ये बात हम करेंगे। तो इससे आपको, एक होते हैं ऑडिटरी लर्नर, ऑडिटरी लर्नर्स का मतलब है सुन के याद होता है, इनको सुन के याद होता है। तो जो माइंड है वो, माइंड की स्थिति क्या है, 33% 33% और 33%। एक तरह से ये क्या कह रहे हैं कि ये तीनों विजुलाइज लर्नर, ऑडिटरी, कानेथेटिक, तीनों ही होते हैं, हर मस्तिष्क में तीनों ही होते हैं। अब इसमें क्या है कि इनकी परसेंटेज में अंतर होता है, जैसे कोई होगी 32% तो यहां पे 35% हुआ, तो 35% है ना, तो इतना ही अंतर, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, वो अंतर हमारे झलकता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ऑडिटरी लर्नर है वो विजुलाइज लर्नर बिल्कुल ही नहीं है, उसे भी लिखकर याद होता है लेकिन उसे कम पसंद आता है, कानेथेटिक नहीं, ऐसा नहीं है, है सबको सब है, लेकिन ये मस्तिष्क का एक पैटर्न है। इसके समझने से क्या होगा, हम हमारे स्वरूप को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे समझेंगे, ज्यादा याद कर लेंगे। तीन ही तो चीजें चाहिए, एक आपको अच्छा याद होना चाहिए। मैं कई बार दोहरा चुका हूं, राजस्थान में सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जो आरजेएस बने, सैकड़ों की कह रहा हूं मैं, मतलब 100 से तो ऊपर ही हैं जिन्हें मैं जानता हूं भी हूं, जिन्होंने सिर्फ बेर एक्ट को ही पढ़ा, कुछ पढ़ाई ना, नोट्स पढ़े ना कुछ पढ़े, अपने अपने बेर एक्ट पढ़े, और बेर एक्ट पढ़े क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया और सेलेक्ट हो गए, कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने। लेकिन उनमें उनकी परफेक्शन थे, एक लड़का तो ऐसा था कि बी एक्ट रिवाइज करते करते आना था बापूनगर, चलता चलता कमलन कंपनी तक आ गया, वहां से पैदल पैदल, अरे यार मेरे तो बापूनगर जाना था, बापूनगर में इंस्टीट्यूट की जो हेड ऑफिस इंस्टीट्यूट का बापूनगर में है, तो वहां से पैदल पैदल वहां तक चला, अरे यार वहां से उसे ध्यान ही नहीं रहा, वो उसे रिवाइज ही करता रहा अपने दिमाग में। खैर नाउ ही इज मजिस्ट्रेट, नाउ ही इज एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और बहुत पुअर फैमिली से था, किसी एनएलयू में नहीं पढ़ के आया था, इतने पुअर घर से कि वो लोग झोंपड़ी में ही रहते थे, मजिस्ट्रेट है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनकी कोई इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी। सर आज ही मेरे को कोई पूछ रहा था, जब सुबह सुबह कभी कभी फोन आ जाता, कई स्टूडेंट्स को पता होती है कि मैं 8:30 से 9 के बीच में गाड़ी में धीमे धीमे इंस्टीट्यूट जा रहा हो रहा होता हूँ, तो कभी कभी फोन आ जाता, सर बस इंग्लिश में मेरे 25 नंबर आ गए तो इस बार मैं हर हाल में आरजेएस हूं। मैंने समस्या क्या है, वो सर 15 ही रह जाते हैं हर बार, तो मैंने कहा तेरे 10 ही तो कम पड़ रहे हैं ना। अरे भाई इसमें ले आना तू 75 75, सर इसमें आते नहीं इतने। मैंने कहा ये बेवकूफी है, मेरे इंस्टीट्यूट से ही बहुत सारे लोग हैं जिनके आए वो सिलेक्ट हुए। रघु जी के 1 में 73 और दूसरे में शायद 69 ये नंबर आए। और एक लड़के ने फर्स्ट आया उसके 76 और 72।
आते हैं। कैसे आए? लॉ में अच्छी कमांड थी, लैंग्वेज के बिना भी आ गए, लैंग्वेज के बिना भी पास हो गए। आपको नंबर ही तो लेने, और सबसे ज्यादा स्कोर लॉ में ही हो सकता है। लैंग्वेज में इतना, क्योंकि लैंग्वेज के जो टीचर हैं, लैंग्वेज के हिसाब से वो एक कॉमन मार्क्स आते हैं उनके, 15 से 25 के बीच ही आते हैं, लेकिन यहाँ बहुत चेंज आ सकता है। तो उसमें आपका अच्छा लिखना, और दूसरी आपकी पर्सनैलिटी, तीन ही तो चीजें चाहिए। पर्सनैलिटी वाइज रोजाना जो आपके व्यक्तित्व है, जो आप ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं करते कि क्लास को पिकनिक नहीं समझते कि आज आ गए फिर कभी नहीं आए 15 दिन, ऐसा नहीं करते। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी भाई, कबीर तो भगवान थे, कबीर कभी नहीं थे, कविताओं के रूप में बोलते थे वो, उतने ही भगवान थे जितने भगवान कृष्ण हैं, कोई अंतर नहीं है, उतने ही भगवान है, बराबर है। जो एनलाइटन हो गए वो सब बराबर लेवल पे है। उन्होंने ही कहा, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, रसरी मतलब रस्सी, रसरी आवत जावत और सिल पर पड़त निशान। तो रस्सी तो किसकी बनी होती? घास फूस की बनी होती है। आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, हमने देखे हैं, जो कुएं हैं जिनसे पानी खींचते हैं उनके निशान पत्थर होता है, मुडेर पत्थर की बनी होती है, उस पत्थर पे उसके निशान बन जाते हैं, रस्सी से निशान बन जाते हैं। आप देखते हो पानी, पानी में तो कोई कठोरता नहीं होती ना, पानी पत्थरों को काटता हुआ निकल जाता है। कंटिन्यूटी, तो जो लोग कंटिन्यू नहीं आते वो अपने दुर्गुणों को समाप्त करिए, ये दुर्गुण है, कभी आते हो कभी नहीं आते, इन दुर्गुणों को समाप्त करना ही होगा। कोचिंग में 100 लोग पढ़ते हैं, 5 ही पास हो पाते हैं, पता है क्या है? गुणों का सिलेक्शन है, नहीं तो 100 के 100 पास हो सकते, 100 के 100 पास हो सकते हैं। तो बात यहां से शुरू हुई थी कि रिवाइज करो कंटिन्यू। अब आपने, मैंने कल बताया था ना, आपने जो तैयार कर लिया उसका एक पेज लगा दो अपने घर पे, ये मेरा, और उसे ग्रीन कर दो, जब भी आते जाते लगो तो 2 मिनट, अच्छा ये मैंने है एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ, गए आए बार बार देख रहे हैं, वो बार बार ध्यान दिला रहा है आपको कि नहीं ये तो करना है, ये तो नहीं भूलना। एक बार तैयार कर लिया तो भूलना नहीं है, और कहां तक ले जाना है? 30 तक, और फिर उसे परमानेंट परमानेंट पोर्शन में जाके छोड़ देना है, फिर आप भूलेंगे नहीं। और मात्र पूरे सिलेबस का, पूरे सिलेबस का 40%, कितने परसेंट? 40%, 40% आप ऐसा तैयार कर लो जिसे आप भूलते नहीं हो। जैसे कभी भी पूछो, कुछ भी पूछो, कौन सा, अब जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हो आप, और 2 दिन बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, और आप क्या पढ़ रहे हैं कि 58 में किस किस प्रकार के मॉर्गेज है, मॉर्गेज की डेफिनेशन है, इनको पढ़ रहे हो। अरे भाई आपका कैसे होगा, अब तो लास्ट में आप पढ़ रहे हो, ये पढ़ने योग्य नहीं है। ये वाला पोर्शन ऐसा है कि सारा पेपर, मैक्सिमम पेपर इसी में से आता है, और ये पढ़ना ही नहीं है हमें, कभी रिवाइज नहीं करना लास्ट में। क्यों? क्योंकि ये इतना अच्छा पढ़ा हुआ है कि अब रिवाइज करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो कौन सा, जैसे मैं कहता हूं ना आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार राउंड बना लेना, पता है, उसको इतना बार पढ़ो, इतना बार पढ़ो कि दोबारा आवश्यकता ही ना पड़े कभी भी, कोई भी पूछे, बल्कि जो भी दोस्त मिले, या तेरे को मॉर्गेज की डेफिनेशन बताता हूं मैं,
यार मॉर्गेज के क्लाइंट्स बताता हूँ मैं तेरे को, सेक्शन 60 बताता हूँ मैं यार तेरे को, सेक्शन 81 बताता हूँ मैं तेरे को, वो पढ़ने थोड़े ही है भाई, वो तो ऑलवेज याद है ऐसा पार्ट। कितने परसेंट है ये? मैंने 40 मैक्सिमम बताया, ऐसा पार्ट मात्र 30% है। कितने परसेंट? 30% सिलेबस का मात्र 30% ही है। आप समझोगे कि कितना सरल एग्जाम है ये। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी तो लो संकल्प 365 दिन का, क्या दे 365 दिन मेरे को लाइफ चेंजिंग के लिए लगाने। अरे भाई जिन लोगों ने भगवान को पाया, जिन्होंने बहुत तपस्या की, मान लो वे एक एक पैर पर खड़े हो गए आंखें बंद करके तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, तपस्या करने का मतलब है वो अंदर बैठे हुए परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इतना दृढ़ता से फोकस उधर ही कर रखा है। ऐसा नहीं भगवान ऊपर से उतर के आएगा फिर उनके सामने दर्शन देगा जो टीवी और चैनलों पर बताया जाता, वो नहीं। तो ऐसा थोड़े अरे यार एक घंटे तो आज कर लिया, चलो फिर कल आ जाएंगे दोबारा, फिर एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, ऐसे करते हैं क्या वो? ऐसे नहीं करते, तपस्या है। तो कभी आपने सोचा कि मैं 365 दिन सिर्फ एक बार 365 दिन सिर्फ इसके लिए ही लगाऊंगा, नो ब्रेक, ऐसे नहीं कि कभी भी भरतपुर चली जाऊंगी और मन करेगा फिर आ जाऊंगी एक दिन फिर शकल दिखा दूंगी, ऐसा नहीं। ऐसे तो तुम्हारे सपने चूर चूर हो जाएंगे, तुम्हें सपने कहीं मिलेंगे ही नहीं। और घर वाले तुम लड़कियां हो, तुम्हारी शादियां कर देंगे और जो तुम्हारे साथ में से कोई बन जाएगा, अरे ये लड़की हमारे साथ पढ़ती थी, ये लड़का हमारे साथ पढ़ता था, मजिस्ट्रेट बन गया। और एक ध्यान रखना, वो घास भी नहीं डालेगा आपको, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल अलग बन जाएगा, वो अपने ही सर्कल के लोगों उसके साथ दोस्ती करता है। हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ता था, एक लड़की भी पढ़ती थी, हो सकता है कभी वो देख भी ले वीडियो को। तो लड़की को वो कभी मोटरसाइकिल पे इधर घुमा उधर घुमा, लड़की समझदार थी, उसका यूज कर रही थी कि कहीं जाना हो तो समय कम से कम में, तो वो जाती, कहीं किताब लेने जानी है तो वो उसको जब भी फोन करती वो आ जाता चला जाता काम जो भी। अब क्या हुआ, वो लड़की सिलेक्ट हो गई, लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ। सिलेक्ट होने के बाद वहां अपना एक फ्रेंड सर्कल उसका बन गया। उनके बाद फिर क्या हुआ, उसकी पोस्टिंग जयपुर में ही हो गई। जयपुर में एक दिन एक लड़का, वो लड़का उस कॉरिडोर से वो आ रही थी और वो जा रहा था, तो उसके साथ तो सिपाही जा रहा था साथ में, उसने वैसे ही क्वेजली पूछा, और बता कैसी है, कौन? उसने कहा, लड़के ने कहा बता कैसी है, तो वो लड़की कहती है, कौन कौन हो आप? पागल है? बोले पागल नहीं हूं, सही हूं, कौन हो भाई, ऐसे क्या? फिर वो मुझे बता रहा था, सर वो तो बहुत घमंडी हो गई है। मैंने कहा वो तो ठीक है, तू महाबेवकूफ है, ये अवसर तेरे हाथ में भी था, तेरे हाथ में नहीं था क्या? अभी भी है तेरे हाथ में? अरे सर उस भाग्य की बात है। मैंने कहा बेवकूफ, भाग्य की बात नहीं है, मैं क्लास में चिल्लाते चिल्लाते मर गया कि भाग्य का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपकी कॉन्शियसनेस की बात है। सर मैं पढ़ूंगा, आप बस, पढ़ता अभी भी नहीं है वो। ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है मैंने बताई आपको, क्योंकि सिर्फ मेरे पढ़ाने मात्र से, मैं बहुत अच्छा पढ़ा हूं, मैं बेरेक्ट को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन
क्योंकि मैंने कितने बार सैकड़ों बार इन बेरक्स को स्टूडेंट्स को बताया है, भिन्न भिन्न तरह के स्टूडेंट्स को बताया है, उन्हें समझाया है, उनमें कुछ सफल हुए कुछ असफल हुए। सफल होने वालों की संख्या कम है, असफल होने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ उनमें उन्हें आगे ले जाने वालों में अधिकतर वो लोग थे जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में चेंज किया। सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करता हूं मैं बार बार ये बातें कह के, कभी कभी क्लास की बात सभी स्टूडेंट्स के नहीं पहुंचती। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं, अभी क्लास में नहीं पढ़ रहे, तो इन सब बातों को मैं कह भी देता हूं यार यूट्यूब पर डाल देना, ठीक है ना। तो चेंज करो, संकल्प लो, और आपका संकल्प महासंकल्प के तौर पे होना चाहिए कि नहीं यार ये प्रॉमिस है तो अब ये होगा, करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा नहीं लगा मुझे कि कल का याद हुआ आज उसी स्पीड में, जो भी समय दिया है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से। उस समय को पकड़ना नहीं है, उसके सहजता से उसके साथ चलना है। याद कर लिया, समय निकल गया है, 2 घंटे 5 मिनट आज सुबह रिवाइज करके आ रहे होते तो 100% पूरा बताते, रिवाइज नहीं किया। 24 घंटे के भीतर भीतर करना है, और पक्का याद करने के बाद है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। राकेश जी क्लास में होगी?